नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर रहने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए यूनिट नंबर सेकंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट हम इससे पहले देख चुके हैं और जिस किसी ने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है वो बिल्कुल देख लेगा जाकर, ठीक है भी। चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। चलो भी स्टार्ट करते हैं आज के लेसन के लिए। तो भी कभी भी आपको ये लॉन्ग में देगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखेगा तो आपको लॉन्ग में देगा, ठीक है। और इसी को शॉर्ट में बनाना कहेगा, शॉर्ट में बनाने की उसको मन में आया तो वो अलग अलग बना देगा कि धर्म आंदोलन किसे कहते हैं, लूथर पर टिप्पणी लिखेगा, या बात करें ज्वेंगली पर टिप्पणी लिखेगा, या आपसे पूछ लेगा किल्विन पर टिप्पणी लिखेगा। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग पूछ सकता है अगर शॉर्ट में पूछेगा तब, तो हमें शॉर्ट बना देंगे इसका अलग अलग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज हम धार्मिक सुधार आंदोलन की, ठीक है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन की ओर बढ़ते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। ये धार्मिक सुधार आंदोलन था क्या, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो बात अगर आप शुरू से क्लास देख रहे हो, पहले भी क्लास आपने देख रखी है, तो आपको अब तक पता चल गया कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था। तो बात करेंगे मध्य युग में यूरोप ने वर्बर जातियों के आक्रमण की सुरक्षा उद्देश्य के लिए, जो मध्य युग था, जो कह लेते हैं कि 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच का जो युग था, इसमें क्या होते हैं आपको वर्बर यूरोप के आक्रमण देखने को यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। बर्बर यूरोप जो आती थी उनके आक्रमण देखने को मिलते हैं, उन आक्रमणों की सुरक्षा के उद्देश्य से तथा धार्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए, जो वहां से आक्रमण कर रहे थे देशों पर, तो उनकी रक्षा के लिए और अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च को प्रधानता इन्होंने दी थी। यूरोप वासियों ने रोमन कैथोलिक चर्च एक हुआ करता था, इसको प्रधानता दी थी। अब ये रोमन कैथोलिक चर्च क्या पड़ेगा, तो आपको ये इटली का था, इटली की राजधानी रोम, तो वहां पर बात हो रही है ये इटली की राजधानी। इटली में एक चर्च हुआ करता था जिसका नाम था कैथोलिक चर्च। कौन था? कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च का जो मुखिया हुआ करता था, जो वहां का पादरी हुआ करता था, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाती थी कि जो भी ये कहेंगे और उन्हें क्या कहा जाता था ये भी ध्यान रखना। बात करते हैं इस चर्च ने सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाला जो हुआ करता था उसको पोप कहा जाता था। उसको क्या कहते थे? उसको पोप कहते थे, जो स्वयं को ईश्वर के प्रतिनिधित्व व धार्मिक क्षेत्र में सर्वोपरि मानने लगे। जो पोप हुआ करता था, यूरोप वाले उसकी पूजा करने लगे। जिस प्रकार से एक भगवान का आदेश होता है, उसी प्रकार से इसको भी आदेश माना जाता था, करने लगे। इसके पास एक अधिकार था कि वह किसी भी राजा को उसके पद से मुक्त कर सकता था। उस जो कैथोलिक चर्च के अनुसार जो वहां का पादरी हुआ करता था उसको पोप कहा जाता था, मगर जो पोप हुआ करता था वो किसी भी राजा को, किसी भी देश के राजा को, वो किसी भी राज्य के राजा को वो हटा सकता और बना सकता था, ठीक है ना। इतना उसके पास अधिकार था, तथा और किसी भी व्यक्ति को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर सकता था, ईसाई धर्म से मुक्त कर सकता था कि भाई तुम ईसाई धर्म के नहीं हो। तो बात करते हैं किंतु जब पुर्तगाल, जब पुनर्जागरण का समय आया, तो लोगों द्वारा अंधविश्वासों की अवहेलना की गई और पोप का खुलकर विरोध किया गया, क्योंकि पोप जो था, पोप के पास शक्ति आ चुकी थी, तो वो उसका गलत प्रकार से व्यवहार करने लगे। पहले इन जो पोप हुआ करते थे, इनकी शादी नहीं हुआ करती थी इनका अधिकार होने से पहले, फिर इन लोगों ने शादी भी स्टार्ट कर दी अपने में, है ना, क्योंकि ये पहले धर्म गुरु कहलाते थे। इनकी कोई शादी मतलब ये लोग शादी से कोई विश्वास नहीं थे, किसी पर भी विश्वास नहीं था, सिर्फ परमात्मा से इनका मतलब था। मगर जैसे इनके पास अधिकार आया तो उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, ये तो धर्म सुधार जो लोग थे वो क्या करने लगे, वो फिर शादी करने लगे, अपनी घर गृहस्थी बसाने लगे, और फिर इन्हें लालच यहां पर इनके देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो बात करेंगे पोप का खुलकर विरोध किया गया। इस प्रकार यूरोप में चर्च और पोप की बुराइयां और अनुचित अधिकारों का अंत हुआ। इसे यूरोप के इतिहासकारों ने धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा धर्म सुधार आंदोलन क्या था, ठीक है भी। तो ये हमारा हो जाता है धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि ये धर्म के नाम पर क्या कर रहे थे, लोगों को लड़ा रहे थे और उनसे टैक्स ले रहे थे और अपने एक प्रकार से जीवन को सुलभ बना रहे थे। तो ये मतलब था पोप का। तो आज हम देखा धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, अगली बार और ज्यादा डिस्कस करेंगे अगले चल के जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मगर यहाँ पर शॉर्ट आया तो हमने शॉर्ट इसको देख लिया, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।